जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं किस तरह आप बियर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि देखिए बहुत से लोग मेरे को एक चीज सवाल पूछते हैं कि सर छोटी अमाउंट को बड़ी अमाउंट में कैसा कन्वर्ट किया जाए। एक लॉजिकल एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा, वही स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि मैंने 2017 में अप्लाई किया था, जहां पर मैंने इथेरियम को परचेज किया था सबसे चीपेस्ट प्राइस के अंदर और उसके बेस पर मैंने 15x के करीब का प्रॉफिट गेन किया था। वही सेम स्ट्रेटेजी के बेस पर मैं आपको अपकमिंग बियर, जो हमारा बियर मार्केट चल रहा है, उस बियर मार्केट के अंदर आपको मैं कुछ कॉइन्स बताऊंगा जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना है और उस कॉइन के अंदर आप सिर्फ $300 लगाकर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बना सकते हो। गाइस मैं बिल्कुल लॉजिकल बात करूंगा, इसलिए आपको बोलूंगा वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप वीडियो को स्कीप करके देखोगे, भगा कर देखोगे, आधी वीडियो देखेंगे तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आने वाली है। वो चीज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं जिस बेस पर आप लॉन्ग टर्म के अंदर छोटी अमाउंट को बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेकंड चीज गाइस, अगर आप चाहोगे कि अब सर हमें लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म सिग्नल बताओ जहां पर हम डेली प्रॉफिट कर सके, तो उसके लिए आपके लिए टेलीग्राम चैनल है। यहां पर आप देखो मूवर कॉइन का सिग्नल दिया गया था 32% प्रॉफिट, बिकोनॉमी का दिया गया था 35%, DCR ऑल टाइम है 61% का प्रॉफिट गेन हुआ है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल रहेंगी, वहां पर जाकर आप ज्वाइन करो अगर आप शॉर्ट टर्म सिग्नल चाहते हो तो। वीडियो इंपॉर्टेंट है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो जिस टाइम आप फ्री रहेंगे, आपके पास टाइम रहेगा, उस टाइम वीडियो को आकर देखो, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज डीपली और बहुत स्लोली तरीके समझाऊंगा ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए। नाउ मूव टू टॉपिक करते हैं। और सेकंड चीज गाइस, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्या चीज का वेट कर रहे, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही कॉन्टेंट हमेशा लाते रहता हूं। तो जो तीन कॉइन की मैं बात करने वाला हूं, सबसे पहला जो अल्टकॉइन मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है बेसिकली यूनी। ठीक है, यूनिस्वैप के कॉइन की मैं यहां पर बात करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने इस कॉइन को चूज किस लिए किया हूं। अगर आप यूनिस्वैप की बात करोगे तो यूनिस्वैप बेसिकली डिसेंट्रलाइज है, राइट, डिसेंट्रल डेक्स है। और अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर कितने इश्यूज चल रहे हैं ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं। बाइनेंस ले लो, वजीरएक्स ले लो, आपस में लड़े हैं, एक दूसरे पर बातें चल रही है। इसके बेस पर जो न्यू यूजर्स है ना, वो बहुत ज्यादा एक तरीके से भागेंगे, स्पेशली जो बिग इन्वेस्टर्स है, बिग इंस्टीट्यूशन है, वो डेक्स एप्लीकेशन पे ज्यादा तरफ मूव करना चाहेंगे। तो इसलिए मैं बेसिकली यूनिस्वैप का कॉइन ले रहा हूं, क्योंकि एनुअल टाइम के अंदर चांसेस है कि आपको इसके अंदर अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब अगर यूनिस्वैप की करंट प्राइस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो करंट प्राइस लगभग 8.85। मैंने जैसे आपको बोला हूँ सिर्फ $300 आपको लगाना है, तो हर एक कॉइन में आपको $100 आपको लगाना है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म कॉइन्स है। ठीक है, तो याद रखो अभी आपको डायरेक्टली इस प्राइस पर नहीं खरीदना है। बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट आपका यहां से और ज्यादा डाउन जा सकता है। तो अगर मार्केट उतना डाउन जाएगा, लेट्स से एग्जांपल यहां पर आपको मैं इस पर कैलकुलेशन भी बता दूंगा कि अगर मार्केट एक्चुअल में बॉटम बनाना है, बिटकॉइन अगर $10,000 पे आता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपका जो यूनिस्वैप कॉइन है वो एटलीस्ट मैं समझता हूं इस रेंज में आएगा। ठीक है, इसका लोवेस्ट रेंज 1.74 है, लेकिन जब भी मार्केट इस सपोर्ट पर आएगा तो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। तो मैं इसके लिए आपको 2 से 3 रेंज दूंगा। पहला कि भाई यूनिस्वैप को आप अगर चाहो तो $1 पे बाय कर सकते हो। दूसरा, आपको ये जो रेंज है कितना है, ये 1.77, तो इसको मैं 1.77 लिख देता हूँ। और तीसरा रेंज आपको मैं बताऊंगा जो कि आपके लिए एक गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, वो है आपका $2.24। ठीक है, ये $2.24 है और इसको अपन कर लेते हैं हाईलाइट। ठीक है, ये बेसिकली तीन रेंज है, तीनों प्राइस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, $1, $1.77 और $2.24। अगर मार्केट यहां से क्रैश करेगा, चांसेस तो मुझे ज्यादातर क्रैश का ही लग रहा है, तो अगर मार्केट यहां से क्रैश करेगा तो इस रेंज में आएगा। इस रेंज के अंदर आपको जो अच्छा प्राइस लगे, या आप अगर चाहो तो $100 को इक्वल तरीके से डिवाइड करते हुए $1 पे कुछ बाय करो, 1.77 पे कुछ करो, 2.24 पे कुछ करो, ये हिसाब से आप बाय कर सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर कहना चाहूँ कि भाई अगर आप इसमें $100 इन्वेस्ट करते हो एट $1, तो आपके पास 100 कॉइन्स आएंगे। ठीक है, एक चीज तो आपने देखा ही होगा कि कभी भी मार्केट जब मार्केट करेक्शन करते, जैसे बिटकॉइन का एग्जांपल लो, पिछले बुल साइकिल के अंदर या बियर साइकिल के अंदर उसने $3,500 या $3,000 के करीब का बॉटम बनाया था, उसके बाद हाई क्रिएट किया था ऑलमोस्ट $69,000 का। बट मैं उतना लंबा हाई तो नहीं लूंगा, आप अगर यहां पर यह बात करके मैं मार्केट एटलीस्ट पिछले ऑल टाइम हाई के अबव जाता है, राइट। अब अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि भाई यहां पर $1 का आपका बेसिकली प्राइस में अगर हम परचेज कर रहे हैं और मार्केट एटलीस्ट ज्यादा नहीं $40 का इसका पिछला ऑल टाइम हाई है, तो अगर मार्केट वहां तक भी जाता है आपका $40 पे,
तो कितना आपका पैसा बन जाएगा, 100 कॉइंस आपके पास है, $40 पर कॉइंस, तो $4,000 आपके पास बन जाएंगे। बट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बिटकॉइन पिछला ऑल टाइम हाई 19,000 समथिंग था, 69,000 बनाया। बट अगर मैं सिर्फ डबल को कैलकुलेशन करूं कि भाई उतना नहीं, यहां से मार्केट सिर्फ डबल होगा, अभी अगर पिछला ऑल टाइम हाई 40 है तो कम से कम यहां पर $80 पे मार्केट जाएंगे, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर आप कैलकुलेशन कर लो कि आपको सिंगल एक कॉइन से कितना, सिंगल कॉइन से आपको $8,000 बनने का चांसेस है। ये मैं जो बात बता रहा हूं ये बिल्कुल लॉजिकल है। यही सेम चीज मैंने इथेरियम में इंप्लीमेंट किया था, $90 के करीब मैंने इथेरियम को परचेज किया था बॉटम के अंदर, और मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था ऑलमोस्ट $4,000 प्लस, बट मैंने कुछ इथेरियम अपने $3,000 के आसपास सेल किए। तो आप कैलकुलेशन कर लो कितने एक्स का प्रॉफिट यहां पर बन रहा है। सेकंड, यहां पर आप याद रखो, आप ये मत सोचो कि मैं आप यहां पर इन्वेस्टमेंट अभी करूंगा और तुरंत वही रातों रात ये होगा, बिल्कुल नहीं। मैं बेसिकली जो टारगेट दे रहा हूं 2024 और 2025 तक का टारगेट आपको दे रहा हूं। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 2023 के मिड या शुरुआत तक बॉटम बना देगा, उस टाइम आप $1-$1.5 के आसपास बाय करो, छोटा इन्वेस्टमेंट है, बड़ा रिटर्न पा सकते हो। लेकिन याद रखो, लॉन्ग टर्म के अंदर एक चीज होती है कि हमको हमेशा फंडामेंटल चीजों पर गौर करना होता है। तो फंडामेंटल चीजों पर आपको पर्सनली वॉच करना होगा कि भाई इसका फंडामेंटल कुछ ज्यादा रॉन्ग ना आ जाए और आपका पैसा डूब ना जाए। तो क्योंकि मैं इसलिए छोटी अमाउंट बता रहा हूँ, छोटी अमाउंट लगाएंगे रिस्क कम हो जाएगा, और मार्केट अगर हम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो हिसाब से जाता है तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब बेसिकली नेक्स्ट कॉइन की तरफ मूव करेंगे जो कि है इथेरियम क्लासिक। इथेरियम क्लासिक का ऑल टाइम है कि अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट $176 है, करंट प्राइस की बात अगर मैं करूं तो $37 के करीब है। और अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये कॉइन अभी भी आप बाय कर सकते हो तो कोई मुश्किल नहीं है, इसके अंदर भी आप अपना पैसा लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहां पर पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया और उसको रिटेस्ट किया, राइट। और सेकंड चीज में यह है कि मार्केट ऑलमोस्ट अगर करेक्शन की बात करें हम तो अच्छा खासा करेक्शन भी कर चुका है 92% के करीब। अब मैं इथेरियम क्लासिक क्यों चूज करने के लिए बोल रहा हूं, देखिए याद रखो, इथेरियम क्लासिक में इसलिए चूज कर रहा हूं क्योंकि इथेरियम 2.0 के बाद, ठीक है, इथेरियम के माइनिंग बेसिकली एक तरफ से बंद हो जाएंगे, तो जितने भी इथेरियम माइनर्स है वो जाएंगे कहां पर, वो जाएंगे इथेरियम क्लासिक को माइन करने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं इसके प्राइस में हमको अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब अगर इस पैटर्न के हिसाब से बात करें तो यहां से लेकर यहां तक मार्केट ऑलमोस्ट 2800% का ऑल टाइम हाई प्राइस क्रिएट कर रहा है, तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हो कम से कम 28x आपको बन सकता है। अब अगर आप इसको सेम कैलकुलेशन लगा दोगे कितना, क्या भाई अगर आप करंट प्राइस पे भी $100 लगाते हो जो कि काफी हाई प्राइस चढ़ रहा है तो 2.27 आएंगे, और एटलीस्ट अगर हम इसके परसेंटेज के हिसाब से बात करके भाई एटलीस्ट यहां से वो पिछले ऑल टाइम हाई से डबल भी हो जाए तो चलेगा। जैसे कि भाई पिछले ऑल टाइम हाई से वहां से अगर 100% भी हम पकड़े तो $300 के करीब का हो रहा है, जो कि मुझे लगता है कि इजिली हिट हो जाएगा। तो $300 आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपका $810 इसमें बन सकता है। बट अभी जैसा आपको पता है कि मार्केट अभी बुल रन में नहीं है, ये मार्केट नॉर्मल सा जंप ले रहा है, 2.0 को भी अभी वक्त है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट अगर बॉटम बनाएगा तो ये एक रेंज में समझ रहा हूं कि अगर मार्केट इस रेंज में आता है, ठीक है, इस रेंज के अंदर जो कि $7 से लेकर $4 की रेंज बन रही है, तो मैं को अगर इथेरियम क्लासिक इस रेंज में मिलेगा तो डेफिनेटली वहां पर परचेस करने में मेरा फायदा रहेगा। तो अपनी कैलकुलेशन को दोबारा हम कर लेते हैं। अगर हम एक एवरेज की बात करें तो $6 में भी अगर हम एक कॉइन को खरीदते हैं जो कि ऑलमोस्ट आपका 16 कॉइन होंगे, और अगर $400 का भी टारगेट पकड़ते तो आपको $6,000 यहां से मिल जाएंगे। पिछले कॉइन की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट $14,000 का एक्सपेक्टेशन हम यहां पर रख रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि गारंटीड ये चीज होगा, एक मार्केट एक्सपेक्टेशन है जो मैंने पिछले बीएल ट्रेंड में अप्लाई किया था, वो हिस्ट्री वो चीज आपके साथ में शेयर करता हूँ। नेक्स्ट बेसिकली मैं बात करूंगा पोलका डॉट की। हम सभी को पता है इथेरियम के बाद पोलका डॉट का नाम काफी है मार्केट के अंदर, और काफी स्ट्रॉन्ग कॉइन है, काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी भी है। तो पोलका डॉट को मैं पर्सनली परचेज करने का अगर सोचूंगा तो उसके 2-3 रेंज है। पहला रेंज है आपका ऑलमोस्ट $5 के करीब का, और दूसरा रेंज है आपका $2-$2.5 के करीब का। ऑल टाइम हाई की अगर बात करें तो $53 के करीब का है। अगर मार्केट एग्जांपल के लिए अगर हमको $2.5 पे भी मिल जाता है, $100 भी अगर हम इन्वेस्टमेंट करते तो देखिए पिछला ऑल टाइम हाई कितना है इसका $55। भाई इतना गिर पड़ेगा तो ये $100 तो किसी भी वक्त जाएगा। तो अगर हम इसी को $100 में भी अगर हम देखते हैं कि भाई कितना रिटर्न बनता है तो ऑलमोस्ट $4,000 का यहाँ पर रिटर्न बन रहा है। तो आप यहाँ पर आइडिया ले सकते हो, पिछला $16,000 हुआ था, ये मतलब 20,000 × 84 करते हैं
तो ऑलमोस्ट ये 16,80,000 करीब का आपका प्रॉफिट जनरेट हो सकता है इन लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो? $300 का। प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कितना है आपका? ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो $20,000 का। अब आप बोलेंगे सर ये तो हवा वाली बातें हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस टाइम मैंने इथेरियम में इन्वेस्टमेंट किया था मुझे उस वक्त ये हवा वाली बातें लग रही थी, लेकिन मैंने प्रॉफिट गेन किया। जिस टाइम बिटकॉइन में मैंने ये सोचकर इन्वेस्टमेंट किया था उस टाइम पे मुझे भी हवा वाली बात लग रही थी, लेकिन वो सही हुए क्योंकि मैंने बिटकॉइन की अगर बात करो तो $3,500-$3,500 की करीब परचेजिंग था मेरा काफी बिटकॉइंस, और मैंने ऑलमोस्ट 69 पे तो सेल नहीं किया, 40 के आसपास मैंने सेल किया हुआ, तो वहां पर भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया। तो आप कैलकुलेशन कर लो, $3,500 का बॉटम था, $40,000 पे सेल किया तो प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रहा है। वही सेम चीज हमेशा हर साइकिल में रिपीट होने वाली है। आप जितने भी अल्टकॉइंस को उठाकर देख लो, आप डॉज कॉइन को देख लो, आप अदर जितने भी कॉइन्स उनको देख लो, आपने आपको सेम वही चीज इस सभी में देखने को मिलने वाला है। मेन चीज होता है बॉटम को पकड़ना। अगर आपको बॉटम पकड़ना आ जाए तो आप अच्छा खासा, मैं समझता हूँ कि 10x से लेकर 20x का प्रॉफिट कहीं ना जाएगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे नहीं यार इतना तो पॉसिबल नहीं, तो भाई पूरे कॉइन्स का हिस्ट्री जाकर देख लो USDT पेयर के अंदर, आपको रिटर्न समझ में आ जाएगा क्या है। तो मेन चीज है बॉटम, और बॉटम के मैं जो लेवल्स बता रहा हूं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस बियर रन के अंदर वो बॉटम बन सकता है। तो बेसिकली गाइस ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने ओन रिस्क और रिसर्च पर करना है। ये वीडियो मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया हूं जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बार बार टेक्स्ट कर रहे हैं, सर ऐसे कोई कॉइन्स बताओ जो कि 10x 20x 30x का प्रॉफिट दे सकता है इन लॉन्ग टर्म के अंदर, तो ये कॉइन उनके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको शॉर्ट टर्म एंट्री चाहिए तो भाई टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल, जाकर ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको शॉर्ट टर्म एंट्रीज मिल जाएंगी। याद रखो क्रिप्टो एक लॉन्ग टर्म गेन है। आप कोई भी क्रिप्टो ट्रेडर को देख लो, क्रिप्टो इन्वेस्टर को देख लो, जो लॉन्ग टर्म से है आपको वो साफ साफ बोलेंगे भाई क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, लॉस भी हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो वहां पर आपको एक ह्यूज प्रॉफिट बन सकता है। तो गाइस वीडियो कैसी लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करो। अगर आप इसी के टाइप के अदर भी कुछ वीडियोस चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो ताकि मैं उस पर रिसर्च करूं और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट अल्टकॉइंस प्लस वीडियोस ला सकूं। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड जय हिंद।